आप जानते हैं कि दुनिया का पहला एयर मिल इंडिया में शुरू हुआ था? क्या आप जानते हैं कि एक सूरज के अंदर 10 लाख पृथ्वी फिट हो सकती है? क्या आप जानते हैं कि चार्ली चैपलिन की बॉडी को चोरों ने चोरी कर ली थी? तो चलिए समझते हैं दुनिया के कुछ ऐसे ही 7 मजेदार फैक्ट्स को। फैक्ट नंबर 1, 4 बेबीज आर बॉर्न एवरी सेकेंड इन दिस वर्ल्ड। एक एस्टिमेट के अनुसार दुनिया में हर दिन 3,53,000 बच्चे पैदा होते हैं, 14,708 बच्चे हर घंटे, 245 बच्चे हर मिनट और 4 बच्चे हर सेकंड। यानी एक पूरे साल में 13 करोड़ से भी ज़्यादा बच्चे पैदा होते हैं दुनिया में। ये अच्छी बात है कि आज बहुत कम डेथ्स होती हैं दुनिया में, क्योंकि हमारे पास आज अच्छी मेडिकल एक्सेस है, अच्छा खाना है, क्लीन वाटर एक्सेस है। लेकिन साइंटिस्ट ये मानते हैं कि अगर हमारी पॉपुलेशन ऐसे ही बढ़ती रही तो आने वाले 100 या 150 सालों में हमारी अर्थ की सारी रिसोर्सेज ख़त्म हो जाएंगी। और जिस तरीके से हमारी रिसोर्सेज ख़त्म हो रही हैं, हमें 1.75 अर्थ और चाहिए अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए। अगर आप चाहें तो हमारे वर्ल्ड की करेंट पॉपुलेशन www.theworldcounts.com पे रियल टाइम में चेक कर सकते हैं। फैक्ट नंबर 2, इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ पोस्ट ऑफिसेज इन द वर्ल्ड। बात अगर पोस्ट ऑफिसेज की करें तो दुनिया में सबसे ज़्यादा पोस्ट ऑफिसेज इंडिया में हैं। इंडिया में एट प्रेजेंट 1,55,015 पोस्ट ऑफिसेज हैं, जिनमें एक पोस्ट ऑफिस जो कि दुनिया में सबसे ऊंची लोकेशन पे इस्टेब्लिश्ड है वो है हिक्किम में, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। ये पोस्ट ऑफिस 15,500 फीट की ऊंचाई पे स्थित। दुनिया का इकलौता फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस भी इंडिया में ही स्थित है, जो जम्मू कश्मीर के श्रीनगर सिटी में है। 1854 में इंडिया ने हिस्ट्री क्रिएट करते हुए दुनिया का पहला पोस्टेज स्टैम्प इशू किया सिंध प्रोविंस से, जो कि तब ब्रिटिश प्रोविंस का हिस्सा था। 1911 में इंडिया ने एक और बार हिस्ट्री क्रिएट करते हुए 6500 मील को इलाहाबाद से नैनी तक पहुंचाया बाय प्लेन से। ये दुनिया का पहला ऑफिशियल एयर मिल था और इसने 18 किलोमीटर की जर्नी को 27 मिनट में पूरा किया और 15 किलो मील यानी 6500 मील को इलाहाबाद से नैनी तक पहुंचाया। फैक्ट नंबर 3, एशिया एंड अफ्रीका आर होम टू नियरली 90% ऑफ वर्ल्ड्स रूरल पॉपुलेशन। दुनिया में हर कोई बड़े शहरों में नहीं रहता, जहाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हो, बड़े बड़े होटल्स, मूवी थिएटर, रेस्टोरेंट, प्लेग्राउंड्स और सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हो। और अगर आप इनमें से एक हो तो ये जान के आपको खुशी होगी कि आप दुनिया के उन 10% लोगों में से हैं जो अर्बन एरिया में रहते हैं। क्योंकि वर्ल्ड अर्बनाइजेशन प्रॉस्पेक्ट की 2018 की रिपोर्ट को अगर हम देखें तो उसके हिसाब से वर्ल्ड की टोटल रूरल पॉपुलेशन में से 90% रूरल पॉपुलेशन एशिया और अफ्रीका में रहती है। एंड ऑफकोर्स इंडिया में ये रेशियो ज़्यादा है। इंडिया में 90 करोड़ लोग रूरल एरिया में रहते हैं, और अगर बात चाइना की करें तो चाइना में करीब 58 करोड़ लोग रूरल एरियाज़ में रहते हैं। लेकिन इन सब में एक बात ये भी है कि इनमें से काफ़ी लोग अपनी मर्जी से अपने गांव में रहना पसंद करते हैं, अपने पर्सनल रीजन की वजह से। फैक्ट नंबर 4, द वर्ल्ड्स क्वाइटेस्ट रूम इज़ लोकेटेड एट माइक्रोसॉफ्ट हेडक्वार्टर्स इन वॉशिंगटन। शांति किसे पसंद नहीं है, इनफैक्ट दुनिया में शायद ही कोई ऐसा हो जिसे शोरगुल पसंद हो। ऐसा ही एक चैम्बर माइक्रोसॉफ्ट ने वॉशिंगटन में बनाया है, जिसे वर्ल्ड का सबसे शांत रूम या एन इकोइक चैम्बर कहते हैं। एन इकोइक चैम्बर उसे कहते हैं जहां आवाज़ इको नहीं होती है। माइक्रोसॉफ्ट ने यह रूम नए इक्विपमेंट की टेस्टिंग के लिए बनाया था। इस लैब रूम में बैकग्राउंड नॉइज -20.35 डेसिबल है, जो कि 20 डेसिबल कम है ह्यूमन हियरिंग से। ये रूम कितना शांत है इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि अगर आप थोड़ी देर अपनी सांस रोक लें तो आप अपनी हार्ट बीट सुन सकते हैं। अपने सर को लेफ्ट या राइट करने पे जो साउंड आती है आप उसे सुन सकते हैं, और यहाँ तक कि आप अपने ब्रीदिंग की आवाज़ को भी सुन सकते हैं। फैक्ट नंबर 5, विथ सो मैनी लैंग्वेजेस इंडिया इज़ द मोस्ट डाइवर्स कंट्री इन द वर्ल्ड। हमारे देश में एक कहावत है, 3 कोस पे पानी और 7 कोस पे वानी, दोनों बदल जाते हैं। हमारे इस फैक्ट के अनुसार यह बिल्कुल फिट बैठता है। 2011 के सेंसस के अनुसार हमारे देश में 19,500 डायलैक्ट्स हैं और 22 स्केड्यूल लैंग्वेज हैं। अगर ब्रीफ में समझें तो डायलैक्ट उसे कहते हैं जो बोली तो जाती है लेकिन वो ऑफिशियली रिकॉग्नाइज नहीं होती है, और जो एक खास ग्रुप या रीजन में ही बोला जाता है। तमिल हमारे देश और पूरी दुनिया की सबसे ओल्डेस्ट लैंग्वेज है, जो कि करीब 5,000 साल से भी ज़्यादा पुरानी है। लैंग्वेजेस एक्ट 1963 के अनुसार
हिंदी के साथ साथ इंग्लिश भी इंडिया की ऑफिशियल लैंग्वेज है और इसी एक्ट के अनुसार ये तब तक रहेगा जब तक लेजिस्लेशन इसे चेंज नहीं करता। हमारे देश में 55 करोड़ लोग हिंदी बोलते हैं, करीब 12.5 करोड़ लोग इंग्लिश और 10 करोड़ के आसपास बंगाली। ये तीनों लैंग्वेज हमारे देश की टोटल पॉपुलेशन का 67% हिस्सा है। फैक्ट नंबर 6, ग्रेव रॉबर्स स्टोल चार्ली चैपलिन बॉडी। चार्ली चैपलिन, या यूँ कहे सर चार्ली स्पेंसर चैपलिन को कौन नहीं जानता, सारी दुनिया इनकी फैन है। चार्ली चैपलिन एक फेमस इंग्लिश कॉमिक एक्टर, फिल्म मेकर और कंपोजर थे, जिन्हें उस वक्त फेम मिला जब दुनिया में सिर्फ साइलेंट मूवीज ही बनती थी। March 1, 1978 को उनके साथ एक स्ट्रेंज घटना हुई जब उनके बॉडी को दो चोरों ने स्विट्जरलैंड के लॉजेन शहर से कब्रिस्तान से चोरी कर लिया। चोरी करने के बाद चोरों ने सर चार्ली चैपलिन की वाइफ ऊना से $6,00,000 की मांग की, लेकिन उनकी वाइफ ऊना ने पैसे देने से साफ मना कर दिया, क्योंकि उनका मानना था कि उनके हस्बैंड ये कभी नहीं चाहते कि उनकी बॉडी के बदले चोरों को पैसे दिए जाए। बाद में पुलिस ने 5 वीक की इन्वेस्टिगेशन के बाद उन चोरों को पकड़ लिया और उनकी बॉडी को रिकवर कर लिया। फैक्ट नंबर 7, अ मिलियन अर्थ कुड फिट इनसाइड द सन। ये तो हम सब जानते हैं कि सन साइज में बहुत बड़ा होता है, तभी इसे हम देख पाते हैं। इनफैक्ट हमारे सोलर सिस्टम का 99.86% एरिया सन अकेले कवर करता है और बाकी बचे 0.14% एरिया में सारे प्लैनेट्स आते हैं। खैर, हमारा ये फैक्ट और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है जब हम ये जानते हैं कि सन, जो कि 864,000 माइल्स में फैला हुआ है, वो अर्थ से 109 गुना बड़ा है और सन इतना बड़ा है कि उसके अंदर 130,000 अर्थ फिट हो सकते हैं या फिर 1,000 जुपिटर तक। तो बस आज के लिए इतना ही। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो लेके आता रहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।